असलम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट यानी कि तारीखी बड़े सगीर की किस्त नंबर 3 में हम आपको ले चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि ये जो बड़े सगीर था ये मोस्टली सिख्स और हिंदूज का था। हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि कैसे जो अफगानिस्तान और ईरान और दीगर ममालिक से अरब और गल्फ स्टेट से जो अल्लाह के नेक वली आए वो किस तरह ये बड़े सगीर में आए, लाहौर में आए, इस्लाम फैलाए। और उससे पिछली वीडियो में हमने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि किस तरह मोहम्मद कासिम ने इस चीज़ को कंकर किया, इस पूरे बड़े सगीर को कंकर किया और एक मुस्लिम मानों को वहाँ पे फैलाया और एक मुस्लिम रियासत बनाई। देखा देखी करके वो भी आ गए अल्लाह के नेक वली। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों हुआ ये कि यहाँ पे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली लड़ाई हुई, जिसे आप क्या जिसे आप बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं या जंग पानीपत भी कहते हैं, जो कि पानीपत के मकाम पे हुई। ये उसी के मुनासबत से ये जंग का नाम रखा गया। जो मुगलिया सल्तनत का जो बानी था, जो कि आपका बाबर था, जहीरुद्दीन बाबर, उसने हिंदुओं को पानीपत पे बहुत बड़ी शिकस्त दी, जिसकी वजह से पूरे बड़े सगीर में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मुस्लिम रियासत बनी। उस टाइम दो मुस्लिम रियासतें जो थीं वो दुनिया में थी, एक आपकी सल्तनत उस्मानिया, वो उस टाइम तक दुनिया की सुपर पावर थी, दूसरी आपकी मुगलिया सल्तनत। उस टाइम नई नई वजूद में आई थी, कोई इसके बारे में इतना नहीं जानता था और ये एक महज एक कमजोर सी सल्तनत थी। हिंदुओं ये समझते थे कि ये कमजोर सी सल्तनत है, हम इसको बहुत जल्दी काउंटर कर लेंगे। उनको इस बात का इदराक ही नहीं था कि ये एक बहुत बड़ी मुसलमानों की रियासत बनने वाली है खिलाफत उस्मानिया के बाद। बाबर ने ना सिर्फ पानीपत की जंग जीती बल्कि इसने खनवा की भी जंग जीती। बहुत से लोगों को खनवा का नहीं पता, ये भी एक भारत का मकाम है जहाँ पे ये जंग लड़ी गई। ये महज कोई इतनी बड़ी जंग नहीं थी, एक छोटी सी जंग थी जिसपे मुसलमानों को दोबारा फतह हुई। इसकी वजह से मुसलमानों का जो अरूज था बड़े सगीर में वो आ गया। कोई नहीं सोच सकता था कि एक हिंदुओं के इलाके में, हमें पता है कि 2500 कबले मसीह ये हिंदुओं का गरवारा था, मतलब यहाँ पर ठीठ हिंदू रहते थे, जिनका आज हिंदुस्तान में भी ठीठ हिंदू बहुत कम है। इंडस वैली, मोहनजोदारो, ये वही है जो हम देखते ना 5000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आमद से तकरीबन 2500 साल पहले की ये सिविलाइजेशंस है और ये सारी हिंदुओं की सिविलाइजेशंस है। यहाँ पे गायों की पूजा होती थी, यहाँ पे आगों की पूजा हुआ करती थी, यहाँ पे उस टाइम सिख तो थे नहीं, यहाँ पे हिंदुओं का मेजोरिटी रहा था। अशोका भी यहाँ से निकला जिसने पूरे हिंदुओं को कॉन्कर कर दिया। अब ना सिर्फ मुगल ने किया बल्कि इसकी जो बाबर ने नहीं बल्कि औरंगजेब, शाहजहां और भी बेशतर लोग आते गए और यहाँ पे अपना मजबूत गरवारा बनाते गए। बाबर से लेके औरंगजेब था, दैट वॉज द गोल्डन टाइम ऑफ द मुगलिया सल्तनत। माना कि हमें पता है कि वो उनका जो रहन सहन था वो काफ़ी उम्दा था, जेवर पहनते थे, बड़ा हशाश बशास रहते थे और काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल वो गुजारते थे। अंगूठियाँ पहनते थे, बालियाँ पहनते थे, सोना जेवर पहनते थे और एक हाथियों में सफ़र करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो ऐशो इशरत की लाइफस्टाइल थी वो अपर हैंड्स पे चली गई। यहाँ पे मेरे दोस्तों हुआ ये कि एक से बढ़कर एक बादशाह आ गया। बाबर आया, उसका बेटा हुमायूं, वो उससे भी दो हाथ आगे था, उसका बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये जितनी लड़ियां चार पांच, जो ये पांच आपके जो बेस्ट मुगल अंपायर्स के जो बादशाह आए हैं जिन्होंने तख्ता पलट दिया, ये थे वो गोल्डन टाइम ऑफ द ऑल मुगल अंपायर। मुगल अंपायर जो थी वो बाबर से स्टार्ट हुई और इसका आगाज 30 अप्रैल 1526 से हुआ। बाबर का दौरे हुकूमत जो था वो तकरीबन चार साल इसने दौरे हुकूमत की और एक सल्तनत कायम की, मुगलिया सल्तनत, मुसलमानों की सल्तनत। और इस सल्तनत को थोड़ा सा हम प्रेफर इसलिए देते हैं क्योंकि ये सल्तनत जिस इलाके में वजूद में आई वहाँ पे अभी भी हिंदू मेजॉरिटी थी, मतलब हिंदू बहुत कसरत तादाद में यहाँ पे रहते थे। वहाँ पे एक बड़ी मुस्लिम रियासत बनना एक बड़ी बात है, जैसे ओटमन एम्पायर। अब जो तुर्की का इलाका था उसको हम इतना हाईलाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो तुर्की का इलाका था वहाँ पे पहले से ही खानाबदोश मुसलमान रहा करते थे। वो बाद में वो यूरोप की तरफ गए, बाइजेंटाइन एम्पायर की तरफ, उन्होंने सरजमीन पे कदम रखा और फिर उन्होंने आगे अपनी फतोहात का सिलसिला जारी रखा।
यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे मुगलिया सल्तनत और 712 से पहले यहाँ पे मुसलमान थे ही नहीं, और अगर थे तो इक्का दुक्का कुछ 1-2%। वो 712 के बाद के जाके यहाँ पे मुसलमान आबाद होना शुरू हुए और उन्होंने पूरी हिंदुस्तान को कंकर कर लिया, लेकिन इतना नहीं वो कर सके क्योंकि इंडिया जो इलाका है इंडिया का, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हिंदू मेजॉरिटी थी और आज या पंजाब में सिख थे, तो इसकी वजह से वो इतना काउंटर नहीं कर सके उनको। उसके बाद हुमायूं आया, उसने उसके इसके दो दौरे हुकूमत हैं, इसने काफ़ी लंबा अरसा, आप ये कहें कि जो हाइट जो चढ़ी है, जो पीक चढ़ी है ना, यानी कि जो आप समझे कि जो गोल्डन डेज के जो शुरुआत हुई है वो हुमायूं ने की है। इसकी दौर हुकूमत 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक रहा। मेरे दोस्तों, ये वो वाहिद बादशाह था जी, अगर ये ना आता तो मुगल सल्तनत कब की ख़त्म हो चुकी थी। ये दलेर बादशाह था, इसने इसका जो मेन काम था वो यही था कि ये किसी ना किसी तरीके से जो मुगलिया सल्तनत की जो जो ये मुग़ल अम्पायर खड़ी कर दी है, इसकी अब इकोनॉमी उठानी है। और मेरे दोस्तों, सत्तरवीं सदी यानी कि 1600 से लेकर 1699 तक, दैट वॉज द गोल्डन सेंचुरी, गोल्डन या आप इसे कहते प्लाटिनम सेंचुरी ऑफ मुग़ल अम्पायर। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि हुमायूं के दो दौरे हुकूमत आए, एक 1530 से 1540 के दरमियान में आया, बाद अजाएं इसकी जो दौरे हुकूमत आई वो 22 फरवरी 1555 से लेके 27 जनवरी 1956 तक रही, यानी कि इसने तकरीबन 12 साल तक मुगलिया सल्तनत की हुक्मरानी संभाली और एक बहुत उम्दा सल्तनत कायम कर दी जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था पूरे बड़े सगीर में। अकबर का हम सबको पता है, उसने इससे भी दो हाथ बढ़ के आगे हाथ चलाए। इसका दौरे हुकूमत 27 जनवरी 1556 से लेके 27 अगस्त 1605 तक था, यानी कि एक से बढ़कर एक मुगलिया सल्तनत पे बंदा आता गया। और एक और चीज, खून पे जो रिश्ते होते हैं ना, एक है आपकी डेमोक्रेसी जमहूरियत, एक है आपका मेरिट से बालातर, मतलब कोई मेरिट या खून पे फैसले हो रहे हैं, फैमिली सिस्टम जिसे आप कहते हैं, जो फैमिली सिस्टम होता है वो बड़ी हद हो, बहुत लंबी छलांग लगा लो तो 800 साल जो ऑटोमन एम्पायर ने किया है। उस्मानियों का जो खानदानी निज़ाम था वो बड़ा मजबूत था, उधर एक से बढ़कर एक बहादुर बादशाह आया महमद चार तक, वो आया उसने अच्छी बड़ी सल्तनत का तख्ता पलट दिया और वो सुकड़ता छोटा सा तुर्की बन गया। तुर्की का जो मैं आपको एक हवाले के लिए बता दूँ, तुर्की का जो रकबा है वो 7.5 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तान का 8 लाख के करीब है, रकबा कोई इतना गैप नहीं है। लेकिन उस्मानियों का सल्तनत आप देखें वो मिलियंस ऑफ स्क्वायर माइल्स पे है। इसी तरह जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया। शाहजहां का तो मैं पता है कि इसने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए तो जो महल इसने बनाया था ताजमहल। हमें ये बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि जो मुसलमान थे वो फन तामीरी में अव्वल थे, वो साइंस के साथ साथ फन तामीरी में भी दिलचस्पी रखते थे, उनकी ये दिलचस्पी उनकी पहचान बन गई। जो मुसलमान थे वो साइंस के साथ साथ वो तामीरी में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। अब यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा है कि किस तरह वो करते थे, देखो वो जो टाइम था 18वीं सदी तक, दैट वॉज द गोल्डन टाइम फॉर मुस्लिम्स, मतलब 700 से शुरू किया, 700 में शुरू किया और 1800 तक गए, मतलब 17वीं सदी तक बस एक मुगल अम्पायर थी जो सुपर पावर के करीब थी, वरना मुसलमानों का तख्ता 17वीं सदी में ख़त्म हो गया था अगर मुगलिया सल्तनत ना होती। इस मुगलिया सल्तनत की वजह से जो मुसलमानों का जो मकाम था वो 18वीं सदी तक चला गया। और इस मुसलमानों का मकाम किसने गिराया? सलीबियों ने, बरतानिया ने, जर्मनी ने, ये जो यूरोप के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, इन्होंने मुसलमानों का जो सुपर पावर स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया। हम अगर हम इंडिया और पाकिस्तान में नज़र दौड़ाएँ तो हमें बहुत सारी 400, 500, 600 साल पुरानी इमारतें मिलती हैं, जैसे कि ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनाया, लाहौर की बादशाही मस्जिद जो कि औरंगजेब ने बनाई, फिर लाहौर फोर्ट। तो जितने भी मुगलिया सल्तनत आते गए इन्होंने अपने ऐशो इशरत के लिए काम किए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम हमेशा कहते हैं ना कि ये मुगलिया सल्तनत आई है, यार ये क्या है, एक किस्म का ये टकोसला है, ये तो बस अयाशी करने आई है, ये तुर्क थे जो कि यहाँ पे आए हैं, हमारा खा पी के वो चले गए हैं।
हमारी आधी से ज्यादा जनरेशन को तो यही नहीं पता कि हम किसी दौर में सुपर पावर थे। जब उस्मानियों का सुपर पावर स्टेटस 16वीं सदी में 16वीं से 17वीं सदी के दरमियान उनका जो सुपर पावर स्टेटस था वो ख़त्म हो गया। यानी कि एक होता है सुपर पावर स्टेटस, एक होता है कि हाँ ये ताकतवर मुल्क है, जैसे इंग्लैंड का सुपर पावर स्टेटस ख़त्म हो गया लेकिन आज भी वो ताकतवर है। रूस का सुपर पावर स्टेटस कब का ख़त्म हो गया, फ्रांस का भी ख़त्म हो गया लेकिन आज भी वो बहुत ताकतवर है। तुर्की का भी सुपर पावर स्टेटस कब का ख़त्म हो गया, तो वो आज भी ताकतवर है। तो एक सुपर पावर स्टेटस होता है, एक सुपर पावर स्टेटस नहीं है इसके पास लेकिन ताकतवर मुल्क है। तो उस्मानियों का सुपर पावर स्टेटस 17वीं सदी तक ख़त्म हो चुका था, बस वो एक मजबूत मुल्क था लेकिन सुपर पावर नहीं था मुसलमानों का। 17वीं-18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत आई जिसने जो सुपर पावर बन गई। मुगलों की जब अरूज था मुगलों का, तो मुगलों की जीडीपी पूरी दुनिया में 22% तक थी, जो कि ये 1780 में के जाके ये 25-26% तक जो इनकी जो जीडीपी थी वो राइज अप कर गई। मतलब पूरी दुनिया की 26-25%। और ये मिंग चाइना उस दौरान जो पूरा चाइना था वहाँ भी बहुत बड़े कबाइल थे, और मिंग सल्तनत जो थी चीनियों की श्यांगझाऊ के साथ वो नाम है, वो सेकंड पे आते हैं। और जो चीनियों की जो सबसे बड़ी जो सल्तनत थी वो मिंग सल्तनत थी, उसकी पूरी जो टोटल जीडीपी थी वो यहाँ से 18-20% ऑल ओवर द वर्ल्ड थी। उसके बाद यूरोप्स का नाम आता है। लेकिन मुगलों जो सल्तनत थी, जो मुगलों ने जो अपनी हुकूमत कायम की, वो 25-26% तक चली गई थी पूरी दुनिया। अब जो टॉप जो ज़्यादातर चीज़ें जो मुगलिया सल्तनत से जो बाहर निकलती थी, यानी कि बरामद करती थी और पूरी दुनिया को बेचती थी, वो थी चावल, गंदुम, कपड़े, मेटल्स और तंबाकू। ये वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि मुगलिया सल्तनत की शान बढ़ाता है, क्योंकि जो हमने आपको पहले बता दिया है कि उनकी पूरी पंजाब में रिट थी, उनका पंजाब में बड़ा अच्छा सा रेट था। और पंजाब में भी दो ऐसे शहर थे जो इन्होंने अपने आइडल बनाए हुए थे, एक आगरा जहाँ पे ताजमहल है, दूसरा आपका जिंदा दनाने लाहौर, जहाँ पे ये लाहौर जो है ना, इस पर कभी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे लाहौर पे, ये तारीखी शहर है पूरे पाकिस्तान और बड़े सगीर स्पेशली पाकिस्तान के लिए। ये दो शहर आगरा और आपके लाहौर, ये इनके मजबूत गढ़ थे। और वैसे भी ये आते भी पंजाब की तरफ है, और पंजाब बहुत फर्टाइल है, आपकी हद से ज़्यादा फर्टाइल है। और उन्होंने काफ़ी उस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंदम चावल प्रोड्यूस की और दुनिया में भेजी। जो चीज़ें वो इम्पोर्ट करते थे वो ये हैं, आपके जो मिर्च मसाले, स्पाइसेस, चीनी, ऑयल और घोड़े, ये वो ज़्यादातर चीज़ें जो वो इम्पोर्ट करते थे। लेकिन इसका वो रेशियो इतना कम रखते थे कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही थी। और ये दिस इज़ द वेरी वेरी द टॉप ऑफ द टॉपेस्ट गोल्डन और या प्लैटिनम टाइम ऑफ मुगल एम्पायर। अब आप देख लें कि वो इतना बड़ा हिंदुस्तान, वो इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत, उसकी 25% का छोटा सा इंडिया, उसके हिसाब से तो इंडिया कुछ भी नहीं है, वो छोटा सा इंडिया जिसकी अब सिर्फ 5% ग्रोथ रेट है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या वो अच्छे थे कि ये अच्छे हैं। डेमोक्रेसी में भी जब खून के रिश्ते आ जाते हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं खिलाई जाती। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि वोट या ईमानदारी या आपका जैसे आप कहते हैं ना मेरिट पे फैसले करना। इसी तरह मुगलों ने पूरी दुनिया पे डोमिनेट हो गई, और ये वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे अमीर तरीन सल्तनत 17वीं सदी में। इससे मतलब ऑटोमन एम्पायर के बाद अगर मैं कहूँ जो मुसलमानों की एम्पायर थी वो ये थी। अगर मैं कहूँ कि ये अरब्स की जो तीन जो खिलाफत आई है उसके बाद जो चौथी आपकी ऑटोमन एम्पायर है, और जो पांचवी जो हम कह सकते हैं वो आप कह सकते हैं कि ये मुगलों की सल्तनत है। लेकिन इन्होंने इस्लाम पे इतना काम नहीं किया जितना ये सऊदी अरब और तुर्की ने किया, तो इसको हम थोड़ा कम हाई रेट करते हैं। लेकिन इसने भी कम काम किया, लेकिन कम किया, कम सतह पर काम किया। इसने इसका ज़्यादातर तवज्जो इसकी इकोनॉमी पर था। इसने इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से राइज अप किया, जो कि एक प्लस पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लिए, कि देखो किस तरह आपके दादे परदादे परपरदादे किस तरह हिंदुस्तान को सुपर पावर बना गए थे, और आज हम दोनों मुल्कों का हाल देखें। मुगलिया सल्तनत भारत, मुगलों ने भारत और पाकिस्तान में तकरीबन आप समझ लें 4 दहाइयां और 4 सदियां हुकूमत की है। 14वीं सदी से लेकर तकरीबन 18वीं सदी तक
ये पूरे बड़े सगीर पर गालिब रहे। इन्होंने पूरे बड़े सगीर का तख्ता पलट दिया, एक बहुत बड़ी अंपायर बना ली, रिचेस्ट अंपायर बना ली, दुनिया में वाह वाह कर लिए। लेकिन लेकिन ये आए थे फारस और अफगान से, मतलब इनका ताल्लुक तुर्की, अफगानिस्तान, ये इस वाले इलाके से था, जिसकी वजह से ये अपना कल्चर यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ पे जो वैसे ही पास इंडिया फुल ऑफ यार वेरी रिच कल्चर है, तो कल्चर के बाद जब दूसरा कल्चर आया तो वो कल्चर मिक्स हो गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि कायद आजम के दौर में या 19वीं सदी में या सर सैयद अहमद खान के दौर में फारसी जुबान उर्दू से ज़रा ज़्यादा ऊपर थी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फारस लोगों का काफ़ी ज़्यादा गठजोड़ था, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग जो थे वो आई ईरान से थे, ईरान से इनका बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से यहाँ पे अफगानी, फारसी और तुर्किश और उर्दू बोली और अरबिक बोली जाना शुरू हो गई। तो हमें पता है कि उर्दू किस तरह बनी, इन्हीं के गठजोड़ मिला मिला के एक नई ज़ुबान बन गई है। तो यहाँ पे इसी तरह हमें पता है कि कुछ लोग, मतलब अभी भी यहाँ पे बहुत कम सतह पे फारस, तुर्किश, अरबिक और अफगानियों का कल्चर अभी भी यहाँ पे मिलता है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये थे सुनहरी दिन सारे ये मुगलिया सल्तनत के, जिस जो पूरी दुनिया को उसने डोमिनेट किया। जितनी तारीफ मैं करूँ इस सल्तनत की उतनी कम है। इसने अपनी शान में बहुत मेहनत की, लेकिन इसने लोगों का भी ख्याल रखा, इसने रियाया का भी ख्याल रखा, जिसकी वजह से इनको तरक्की और इज्जत मिलती गई। लेकिन एक गलती वो कर गए, वो क्या थी गलती, क्या थी वो गलती कि जिसकी वजह से पूरी मुगलिया सल्तनत तितर बितर हो गई। वो कौन था वो शख्स जिसके जिसने 400 साल की मेहनत को सिर्फ 50 साल के अंदर तोड़ के फना कर दिया? क्यों बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा? ये सारी हम आपको अपनी अगली सीरीज, अगली किस्त में बताएंगे, जो कि हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट एपिसोड 4 होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, जो कि मैंने बहुत मेहनत से कोशिश की, मैं अपना कॉलेज का भी काम करता हूँ, ये भी गूगल से तलाशा मैंने, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार हर बंदे को उसका मुआवजा लाजमन मिलना चाहिए। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, दुनिया का हर फर्द जानता है चाहता है कि उसको उसकी मेहनत का मुआवजा मिले। मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।